हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14, शेरू ने ढूंढी गेंद। माँ रसोई में खाना बनाने में लगी है। इतने में नटखट पप्पू पीछे से आकर मम्मी से मीठी मनुहार करते हुए अपनी बात कहता है। पप्पू, माँ माँ जरा 5 रुपए देना, जल्दी एकदम जल्दी। माँ, अच्छा ये बात, 5 रुपए किस नेक काम में खर्च होंगे? पप्पू, माँ माँ असल में बात यह है कि गेंद लानी है। माँ, ओहो, पर 5 रुपए तो तुम परसों भी ले गए थे गेंद खरीदने के लिए, कहाँ गई वो गेंद? पप्पू सिट पिटाकर, वो तो खो गई, गुड्डन के साथ टप्पे खेलने का खेल खेल रहा था, गेंद झाड़ियों में चली गई, फिर मिली ही नहीं। माँ बनावटी गुस्से से, तो फिर मैं रोज रोज कहाँ से लाऊं गेंद तुम्हारे लिए? जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पप्पू, बस माँ, सिर्फ एक बार और मैं गेंद खूब संभाल कर रखूंगा। माँ, ठीक है, पर अब आगे न मांगना फिर से। माँ 5 रुपए पप्पू को देती है। पप्पू रुपए लेकर झटपट दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद वह नीली गेंद लिए मैदान में आता दिखाई पड़ता है। उसे देखकर सोनू, गुड्डन, धीरू, देबू सभी की आंखों में चमक आ जाती है। गुड्डन, अरे वाह, नीली गेंद कहाँ से लाया पप्पू? उसके भी जो दोस्त रहते हैं वो गेंद को देखकर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। पप्पू, अभी अभी ला रहा हूँ हामिद अंकल की दुकान से। धीरू लहचाया हुआ सा, गेंद तो बड़ी सुंदर है भाई, एक बार मैं छूकर देख लूँ? पप्पू खूब जोश में, एक क्या 10 बार छूकर देखो, मैं खेलने के लिए ही तो लाया हूँ। देबू, वाह वाह, आओ भाई आओ, खेल जमेगा प्यारा। जब आप भी, आपके लिए भी जब मम्मी पापा कोई बाजार से खिलौना लाते हैं, या आप भी जब कोई खिलौना लाते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो ना, वैसे ही पप्पू भी अपनी गेंद लेकर दोस्तों के साथ खेलने गया। फिर क्या था, कुछ देर बाद ही खेल जमता है। गुड्डन जोर से गेंद फेंकता है, गेंद लुढ़कते लुढ़कते नाले की ओर चली जाती है। पप्पू घबराते हुए, दौड़ो दौड़ो, कहीं नाले में न चली जाए। गुड्डन, कैसे जाएगी, शेरू है ना? सब बच्चे एक साथ, दौड़ शेरू दौड़। शेरू के साथ साथ बच्चे भी तेजी से गेंद के पीछे दौड़ते हैं, मगर वे सब गेंद को पकड़ पाए इससे पहले ही गेंद गहरे नाले में चली जाती है। पप्पू रोनी सूरत बनाकर, हाय मेरी गेंद तो गई। गुड्डन दिलासा देते हुए, शायद शेरू इस बार भी ले आए। वो क्या कहते हैं, उनकी गेंद खेलते खेलते कहाँ चली जाती है, गहरे नाले में चली जाती है। और पप्पू रोती हुई सूरत से बोलता है कि हाय मेरी गेंद। तो गुड्डन उसको बोलता है कि शायद शेरू इस बार भी तुम्हारी गेंद ले आएगा, है ना? बच्चों आपको ये पाठ है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है? और इसके जो कठिन शब्द हैं उसको आपको अपनी रफ कॉपी में लिखकर मुझे बताना है। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।